मुरादाबाद शहर के रेलवे स्टेडियम में CPL क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। सभी टीमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मंगलवार को रेलवे स्टेडियम में अपर जिला अधिकारी प्रशासन गुलाबचंद ने पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों को खेल के लिए बधाई दी। टूर्नामेंट के आयोजक नावेद सिद्दीकी ने कहा कि 10 मई से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 21 मई को संपन्न होगा। समापन पर विजेता टीम को 1,00,000 और उप विजेता टीम को 75,000 रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि महानगर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेडियम में कलेक्ट्रेट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 10 मई से लगातार अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद और आसपास के जिलों की लगभग 10 क्रिकेट टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। CPL क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,00,000 और उप विजेता टीम को 75,000 रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जनपद में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने के उद्देश्य को लेकर हर वर्ष कलेक्ट्रेट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट रेलवे स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट के आयोजक नावेद सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार 2 मैच प्रतिदिन आयोजित हो रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और सभी खिलाड़ी अपने बेहतर खेल को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा है, जिसे घर बैठे लोग इन सभी खिलाड़ियों की प्रतिभा को देख सकें। कार्यक्रम में पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाबचंद का कहना था कि एक अच्छा नजारा यहां पर सभी को देखने को मिल रहा है और खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपने मुरादाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही कार्यक्रम और भी आयोजित होंगे। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा प्रयास है। 10 तारीख से ये मैच चल रहे हैं, 10 टीमें लगातार इसमें खेल रही हैं और खेल भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि आगे भविष्य में भारत की तरफ से भी खेलेंगे, रणजी भी खेलेंगे, तो बहुत अच्छा प्रीमियम चल रहा है।